बच्चों नेक्स्ट टाइप में आ जाओ। हाँ ये कोई टाइप वाइप नहीं है, बस ये ऐसे समझ जाओ कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। एफ एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्यों टाइप नहीं है? बिकॉज होता क्या है कि कभी भी तुम्हें जो क्वेश्चन होगा ना वो एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होगा तो वो एग्जैक्ट इस फॉर्म में होगा। कभी भी क्वेश्चन जो होगा ना एग्जैक्ट इस फॉर्म में नहीं होगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, सबसे पहले देखो एफ एक्स पे पावर एन दे रखा है और एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव दे रखा है। जब भी ऐसा हो बस तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर मान लो कोई फंक्शन दे रखा है, फंक्शन पे कोई भी पावर दे रखा है, 1 2 3 4 कुछ भी दे रखा है, और उसी का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई है, तो तुम्हें क्या करना है कि एफ एक्स को टी मान लेना है। तो कुछ जैसे ही एफ एक्स को टी मानोगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, खुद ही इस फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रही बात? इसका देख लो प्रूफ क्या है। कभी भी तुम्हारे पास ऐसा हो कि एफ एक्स फंक्शन हो, उस पे पावर एन हो इंटू एफ डैश डी एक्स हो, तो तुम्हें क्या करना है कि लेट एफ एक्स को टी मान लेना है। एफ एक्स को टी मान लिया, अब डिफ्रेंशिएट कर दिया दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में एफ एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया तो डी टी अपॉन डी एक्स, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स डी एक्स डी टी हो गया। हमारे पास क्या था, हमारे पास यही था ना, एफ एक्स पे पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एफ एक्स को तो हमने टी माना तो हो गया टी पे पावर एन, एफ डैश डी एक्स क्या हो गया, डी टी हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, टी पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, पर टी को क्या मानोगे, टी तो हमारा एफ एक्स था, तो एफ एक्स पे पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, बस हो गया। याद क्या रखना है कि अगर कभी भी एफ एक्स पे पावर हो इंटू उसका डेरिवेटिव हो तो एफ एक्स को टी मान लो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वन करते हैं हम लोग, इवेलुएट फर्स्ट पार्ट। 3x+1 पे क्या है, ये 3x² + 2x+1 dx। सेकेंड पार्ट क्या है, sin³x cos x, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन करते हैं स्टार्टिंग में। थर्ड में क्या है, tan³x into sec²x dx। फोर्थ में log x³/(x)dx। ऐसे हो क्वेश्चन। सॉल्यूशन आते हैं फर्स्ट पार्ट में, क्या दे रखा है, 3x+1 upon 3x² + 2x+1 dx। इस पे डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, 6x+2, ये तो कुछ और ही लग रहा है। इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है, 6x+2, डिनोमिनेटर यही है ना, 3x² + 2x+1, इसका डेरिवेटिव लोगे तो क्या आएगा, ये 6x+2। ठीक है, अगर मैं न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड कर दूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये भी हो जाएगा 6x+2, तो ये तो इस फॉर्म में आ गया, ये तो इस फॉर्म में आ गया, मतलब कि एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स के फॉर्म में आ गया। तो कोई बात नहीं है, ये क्या हो जाएगा, log(mod)f(x)c। ठीक है ना, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 1/2 log(mod)f डिनोमिनेटर 3x² + 2x+1 + c, आंसर हो गया। सेकंड क्या दे रखा है, sin³x cos x। sin³x into cos x dx, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin³x cos x dx। समझ में आ रही बात? अब तुम ये बताओ कि साइन एक्स का डेरिवेटिव, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x, बट यहां पे तो -sin x है नहीं,
ठीक, या फिर ऐसे देख लो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है ना, तो ये एफ एक्स दे रखा है और ये हमारा एफ डैश एक्स दे रखा है, ये एग्जैक्टली सेम फॉर्म में, ये जो फॉर्म है ना, ये जो फॉर्म अभी बताया एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है ये। तो या तो तुम क्या कर सकते हो, कॉस एक्स को टी मान लोगे, सॉरी साइन एक्स को टी मान लोगे, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट सेम फॉर्म में तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स मतलब साइन एक्स पे पावर 3+1/(3+1+), ये आंसर हो गया। या तो तुम क्या कर सकते हो कि हमारे पास ये है ना साइन एक्स का क्यूब इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसमें तुम साइन एक्स को टी मान लो, तो क्या हो जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ये क्या हो जाएगा DT/DX, तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। कॉस एक्स डी एक्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, DT में, इसको T बोला था तो T³ DT, तो हो जाएगा T^4/4+C, तो 1/4 T क्या हो जाएगा साइन एक्स P^4+C, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, सेकेंड हो गया, थर्ड में क्या है Tan³x sec²x। Tan³x इंटू sec²x, फिर ये एग्जैक्टली इस फॉर्म में टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, तो डायरेक्ट इस फॉर्म में तो क्या लिखोगे टेन एक्स पे पावर 3+1/3+1+C, आंसर हो गया। या तो तुम क्या करो टेन एक्स को टी मान लो, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा log(x/x), ये भी एग्जैक्टली इसी फॉर्म में है ना, log(x³/x dx), ये भी सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्म में है। इसको तुम ऐसे लिख सकते हो log(x³)(1/x dx), देख लो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखा हुआ है, तो सीधे आंसर क्या हो जाएगा इसका log(x)^(3+1/3+1+C), या तो फिर तुम log(x) को टी मान लो, तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट में आ जाओ इसका 1+log(x)^2/x dx, ये भी एग्जैक्टली इसी फॉर्म में, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1+log(x)^(1/x dx). 1+log(x) का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x वहां लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 1+log(x)^(2+1/2+1+C), आंसर हो गया। फिर या तो तुम चाहो तो 1+log(x) को टी मान लो, क्या है हमारे पास sec²(2tan−x)/(1+x²) dx। यहाँ पे तुम्हें इस बात का आइडिया लग गया होगा कि इसका डेरिवेटिव यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव तो लिखा हुआ है ना 1+x²। तो तुम क्या करो कि पुट टेन इनवर्स एक्स को टी मान लो, नहीं 2 tan−x को टी मान लो, तो क्या हो जाएगा 2/1+x² इज इक्वल टू DT/DX। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ से dx क्या हो जाएगा 1+x²/2 × dt, तो यहाँ से इसको तो हमने t माना है 2 tan−x को, तो ये क्या हो गया sec²(t/1+x²), और dx को क्या लिख लिया 1+x²/2 × dt, ये कैंसिल हो गया, 1/2 बाहर आ गया, ये क्या हो गया sec²(t+c). sec²² का डेरिवेटिव क्या होता है, sec²² का डेरिवेटिव होता है टेन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, या sec²t का क्या होगा tan·t+c 1/2, टी किसे माने हमने 2 tan−x को,
प्लस सी ये आंसर होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, इसको कैसे करेंगे सॉल्व ये सोचो। यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसका डेरिवेटिव कुछ, जो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कुछ न्यूमरेटर जैसा बन रहा है। ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव लोगे, इसका डेरिवेटिव लोगे तो ए का डेरिवेटिव तो जीरो, प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा टू टेन एक्स, और टेन एक्स को फिर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सेकेंड स्क्वायर एक्स, तो मतलब क्या होगा टू बी टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, अब यहाँ पे टू बी तो है नहीं न्यूमरेटर में, तो कोई बात नहीं टू बी से डिवाइड, टू बी तो कॉन्स्टेंट है, डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया हमारा टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पे हमने क्या बोला टेन एक्स इंटू, हमने क्या ज्यूम किया था ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स को तुम टी मान लो, तो क्या हो जाएगा टू बी टेन एक्स इंटू सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पे ये पूरा न्यूमरेटर क्या हो गया डी टी, तो ये क्या हो जाएगा डी टी, इसी को टी माने तो अपॉन टी प्लस टी हो गया हमारा, तो अब इसको ये हो जाएगा वन अपॉन टू बी, वन अपॉन टी का क्या होगा लॉग मॉड टी प्लस सी, तो ये हो गया वन अपॉन टू बी लॉग मॉड, और टी क्या हमने माना है ए प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या है, टू पे पावर टू पे पावर एक्स टू पे पावर टू पे पावर एक्स टू पे पावर एक्स डी एक्स, वन अपॉन साइन क्यूब एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एल्फा डी एक्स, ये एनसीईआरटी का है। एक्स टू द पावर फोर माइनस एक्स पे पावर वन अपॉन फोर अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, सॉल्व करते हैं। अब ये देख के लग रहा होगा ना कि थोड़ा काफी खतरनाक टाइप का क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ए पे पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है इसको ध्यान से समझना है, ये होता है ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए, और ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रल क्या होता है ये होता है ए टू दी पावर एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। ठीक है, ये तो पहले तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर मैं यहां पे ऐसे बोलूं कि ए टू दी पावर एक्स को हमने किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, ए पर जो पावर है ए पर पावर क्या एक्स इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, तो ए पे पावर एक्स इंटू ये जो बेस ए है ना ये लॉग में आ गया। अगर मैं बोलूं टू पे पावर एक्स इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहले इस टू को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे टू पे पावर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे एक्स का काम क्या कर रहा है, ये एक्स का काम क्या कर रहा है ये टू टू दी पावर एक्स कर रहा है, इसको समझना होगा। यहाँ पे जो एक्स का काम क्या कर रहा है टू टू दी पावर एक्स कर रहा है, तो ये क्या होगा टू पे पावर एक्स इंटू लॉग टू, हमने इसके रिस्पेक्ट में किया है ना, फिर इसको भी तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना होगा, मतलब कि फिर हमें डेरिवेटिव निकालना होगा ना किसका
पे पावर एक्स का चेन रूल लग रहा है और कुछ नहीं है, 2 पे पावर 2 पे पावर एक्स, ये हो गया लॉग ऑफ 2, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, तो ये क्या हो गया 2 पे पावर 2 पे पावर एक्स इंटू 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मैं 2 पे पावर 2 पे ऐसे बोल दूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो पहले इस 2 को इस पावर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर ये जो 2 दिख रहा है इसको फिर इस पावर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर ये जो 2 दिख रहा है इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, यही होता है ना चेन रूल। तो बस हो गया, स्टार्ट करते हैं। ये क्या हो जाएगा, पहले इस 2 को इसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग 2, फिर डेरिवेटिव किसको डिफ्रेंशिएट करना है, इस पावर को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, 2 पे पावर एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हो गया ऐसे इंटू लॉग ऑफ 2। अब इसको क्या करेंगे, इस 2 को फिर इस 2 टू द पावर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, फिर ये जो दिख रहा है इसको भी तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा ना 2 पे पावर एक्स को, चेन रूल लग रहा और कुछ तो है नहीं, लॉग 2 इंटू 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, ये हो जाएगा 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर एक्स इंटू 2 पे पावर एक्स इंटू 2 पे पावर एक्स, ये लॉग ऑफ 2 का होल क्यूब। ठीक है, यहाँ तक तो आ रही है बात समझ में। अब हमारा इंटीग्रल क्या था, हमारा इंटीग्रल ये था, इसमें हमने क्या किया, लेट हमने कर लिया 2 पे पावर, इसको एक्स मान लिया, टी मान लिया, अब इसका डेरिवेटिव अभी लिखा है 2 पे पावर एक्स इंटू 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 होल क्यूब, यहाँ से क्या हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स, देख लो अभी डेरिवेटिव लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या मिल गया 2 पे पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ 2 होल क्यूब डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, किसको हमने टी माना है, यहाँ से तुम क्या करो डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा डी टी अपॉन 2 पे पावर एक्स लॉग 2 क्यूब। ठीक है, तो ये तो लिखा है ना यहाँ पे, इसको तुम ऐसे रखो डी एक्स की जगह क्या डालोगे डी टी अपॉन 2 का होल क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 2 का होल क्यूब, ये बाहर आ जाएगी, ये हो जाएगा डी टी प्लस सी, ठीक क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग ऑफ 2 होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा टी प्लस सी, टी क्या है यही है टी, अज्यूम किया था हमने, अच्छा टी हमने इसे अज्यूम नहीं किया था, इसको किया था प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह जाते क्वेश्चन नंबर 2 में, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें पहले ना तुम ऐसे इसको लिखो साइन पे पावर 4x इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस एल्फा अपॉन साइन एक्स, ऐसे लिख लो, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। स्क्वायर रूट के अंदर हमने क्या किया, साइन एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस अल्फा अपॉन साइन एक्स, ठीक है। वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऊपर यहां पे लगा दो तुम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अलग अलग कर लो, साइन एक्स क्या हो गया, कॉस एक स्क्वायर एक्स, साइन साइन कैंसिल, ये हो गया कॉस अल्फा। अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हो गया कॉट एक्स, और ये साइन अल्फा, तो ये हो गया साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है ना, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स, इसको टी मान लो। क्यों टी मानेंगे, बिकॉज कॉटी का डेरिवेटिव ऊपर लिखा हुआ है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो, कॉस अल्फा तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव जीरो, साइन अल्फा बाहर आ जाएगा, कॉट एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक माइनस साइन अल्फा नहीं लिखा हुआ यहाँ पे न्यूमरेटर में, तो कोई बात नहीं है, माइनस साइन अल्फा से हमने क्या किया, डिवाइड किया, माइनस साइन अल्फा से मल्टीप्लाई किया, कॉस एक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस अल्फा साइन अल्फा कॉट एक्स डी एक्स, ठीक है। अब तुम देखो ध्यान से, माइनस साइन अल्फा कॉस एक स्क्वायर अल्फा डी एक्स मिलकर डी टी हो गया, और ये क्या बन जाएगा, इसको तो टी माना है हमने, तो क्या हो गया, ये माइनस वन अपॉन साइन अल्फा टी अपॉन रूट टी, सॉरी डी टी अपॉन रूट टी, डी टी अपॉन रूट टी, तो माइनस वन अपॉन साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा टी पे पावर माइनस वन अपॉन टू डी टी, ये क्या हो गया टी पे पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन प्लस सी, ये क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन साइन अल्फा, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर टू आ जाएगा, ये रूट टी हो जाएगा प्लस सी, तो माइनस वन अपॉन साइन अल्फा प्लस टू प्लस, नहीं यहाँ पे टू कर दो रूट, और टी किसे हमने अज्यूम किया है, इसको किया है ना टी, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉट एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। और कौन सा क्वेश्चन था, ये तो सेकंड थर्ड पार्ट भी है इसका, अब इसमें क्या करोगे, सोचो इसमें क्या करोगे, फिर यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना होगा।